जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे। इस देश के इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे। जब असम में हमारा असम अकॉर्ड हुआ उस समय के प्रूफ प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, हम एक निर्वाचन लाना चाहते हैं ताकि शांति आगे बढ़े। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे। जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट मांग रहे। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? इस देश के इतिहास में हमने दूसरे प्रधानमंत्री भी देखे। हमने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वांचल और भारत की संवेदना को समझा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि दल से ऊपर हमारा देश, ये हमारा राष्ट्रवाद है। जब मीजो अकॉर्ड हुआ सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। जब मीजो अकॉर्ड हुआ 1986 में तो मिजोरम में हमारी सरकार थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने लाल डेंगा जी के साथ समझौता करके मीजो अकॉर्ड उन्होंने स्थापना किया 1986 में, और वहां के पू लाल डेंगा जी मिजोरम के इंटरिम गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने और निर्वाचन। यह है कि हमें सत्ता नहीं, हमें शांति चाहिए उत्तर पूर्वांचल में। अगर सत्ता खोनी पड़ी, दल का बलिदान देना पड़ा, तो उत्तर पूर्वांचल और देश की अखंडता के लिए हम वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी को याद होगा जब मिजो अकॉर्ड हुआ उसके अगले ही दिन राजीव गांधी जी और सोनिया जी मिजोरम गए थे, आइजवाल गए थे, और जगह जगह पर लोगों ने इन दोनों का स्वागत किया और उन्होंने कहा स्वागत राजीव गांधी जी, वेलकम राजीव गांधी जी, आप शांति के प्रतीक हो। ऐसा पहल प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं करते? हम उनका समर्थन करेंगे। इस सदन में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा असम में जाकर We are one people. We are one nation. We must live together as such. We must restore peace and calm throughout the area. ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं कर? चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं। जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। तो सीधा सीधा सर मैं प्रधानमंत्री जी से तीन हमारी याचना है। याचना एक कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाएं। हमारी याचना दूसरा कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं।